किसी भी धंधे में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि उस कंपनी का इंडस्ट्री साइज कितना बड़ा है और इसमें कितना बड़ा बिजनेस पोटेंशियल कंपनी का दिखाई देता है। आपके सामने आज मैं कंपनी के बारे में बात करूंगा एंजल वन, और ध्यान से समझिए इस बात को कि ये इंडिया की एक टॉप 3 ब्रोकिंग फर्म है। ग्रो, जीरोधा प्राइवेट कंपनी है, यही एक लिस्टेड स्पेस के अंदर एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है एंजल वन। इस कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हम मार्केट की बात करते हैं। आज की डेट में हमारे डीमैट पर परसेंटेज आपका पॉपुलेशन पे अगर लगाया जाए तो वो बन रहा है हमारा 11.5% का। तो ये सोचिए कि ये अभी पेनिट्रेशन जो है अगले 5 सालों में बहुत बड़ा लेवल होने वाला है। तो आपको ये दिखाई दे गया कि मार्केट के अंदर ग्रोथ का अभी भी मोमेंटम बन सकता है फ्यूचर में। दूसरी बात, मार्केट शेयर की अगर मैं बात करूं तो एंजल वन के पास आज की डेट में 15% के आसपास का मार्केट शेयर है, लास्ट ईयर 14% था। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो हो रही है, कंपनी मार्केट शेयर भी अपनी तरफ खींचती हुई आ रही है, और इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर इस कंपनी का 22% का है। तो नए कस्टमर्स जो जुड़ रहे हैं कंपनी के साथ, उनकी ग्रोथ रेट पुराने कस्टमर से भी बहुत तेज है। तो ये भी एक कंसिडरेबल अमाउंट होना चाहिए आपके दिमाग में कि कंपनी की बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर कंपनी एक रैपिड एक्सपेंशन की तरफ काम कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कंपनी का आपके हिसाब से ये होगा बिजनेस कि ब्रोकिंग फर्म है, हम ऑर्डर डालते हैं, उसमें से कुछ कमीशन या कुछ पर ट्रेड कमाई कंपनी को मिलती होगी? नहीं, इन कंपनियों की जो ब्रेड एंड बटर है वो है क्लाइंट फंडिंग बुक पे। आपके दिमाग में ये होगा कि किसी के पास डीमैट अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है शेयरों के अंदर, और उसको अगर डीमैट पे लोन चाहिए, यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म्स की मेजर कमाई बैठी होती है। कैसे? कंपनी ने 2-3 साल के टाइम पीरियड में 1100 करोड़ की क्लाइंट फंडिंग बुक को आज की डेट में 3500 करोड़ के आसपास का खड़ा कर दिया है। तो आप ये सोचिए कि इनके पास जो कस्टमर्स जुड़ रहे हैं उनको अगर ये वैल्यू एडेड सर्विस एज अ क्लाइंट फंडिंग बुक दे रहे हैं तो इस नंबर पे कंपनी को ब्याज की इनकम आती होगी। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये लोग पहले कस्टमर को जीतने के लिए मेहनत जो करते हैं, वहां पे क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट लगती है, जिसको कंपनी ये कहती है कि हम नेट इनकम का 10% के आसपास का खर्चा बिठाते हैं इन चीजों पे। यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कस्टमर नए जुड़ गए हैं उससे कंपनी शुरू में पैसा नहीं कमाती, लेकिन जैसे जैसे इन कस्टमर्स का काम बढ़ना शुरू होता है एंजल वन की पैप पे, वहां पे कंपनी अपनी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी देना शुरू कर देती है। तो आपको ये समझ में आ गया कि पुराना बिजनेस जो है पुराने कस्टमर्स के साथ इनका लगा रहता है, और नए कस्टमर्स शुरू में प्रॉफिटेबल नहीं होते लेकिन फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप उनको दुनिया की हर फिनटेक प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स करवा सकते हैं, जहाँ पे आप FNO करा सकते हैं। FNO के बिजनेस में एक बहुत बड़ा क्लाउड आ चुका है सेबी का कि आपको रिटेल इन्वेस्टर्स को FNO के प्रोडक्ट्स जो है उसकी कॉस्ट बढ़ा के काम करवाना है, और यहाँ पे कंपनी की बॉटम लाइन में इफेक्ट आएगा। लेकिन वहीं दूसरी साइड पे कैश मार्केट में, जहाँ पे इनके पर ऑर्डर की कॉस्ट बहुत कम थी, वहां पे वो कॉस्ट बढ़ेगी, तो इसका जो इफेक्ट जो है बॉटम लाइन पे इतना आने नहीं वाला फ्यूचर में। आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छी कंपनी वही है जो कि ऐसे मार्केट सिनेरियो के अंदर अपने आप को प्रूव करके दिखाए कि हम अपने बिजनेस को वापस कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे इनोवेशन करके। ये देखना पड़ेगा कि इस बिजनेस के अंदर दम कितना है, जो कि मुझे ये दिखाई देता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे अगर आपके फोन में वो जो ऐप है उसके अंदर जितने ज्यादा कस्टमर आप ऐड करोगे, लोगों को आप ट्रेडिंग कराओ कैश मार्केट के अंदर FNO के अंदर, प्लस उनको मार्जिन फंडिंग दे के अपनी इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ाओ। और यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम का नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि जैसे ही पोजीशन पे स्टॉप लॉस आया आपकी पोजीशन कट जाएगी और कंपनी को नुकसान की प्रोबेबिलिटी बड़ी कम दिखाई देगी।
यहाँ पे एक और चीज एस्पेक्ट आपको ये देखना है कि टारगेट एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे कंपटीशन के लिए भी काफी कंपनीज के लिए गुंजाइश है जो कि आ सकते हैं, और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के लिए भी आप कंपटीशन खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसा काम समझने के बाद आपके पास अब नेक्स्ट चीज आती है लास्ट पे, कंपनी का प्राइस। आज की डेट में एंजल वन अपने टॉप से 40% के डिक्लाइन पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे इनके पास अब क्वेश्चनेबल चीजें आ रही हैं कि अगर FNO का काम इनका कम हो गया तो कंपनी अपने आप को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी, बॉटम लाइन कैसे इंक्रीज करेगी। आज अगले 6 महीने 1 साल के टाइम पीरियड में इस कंपनी की मैनेजमेंट कमेंट्री आपको ध्यान से समझनी पड़ेगी, और जैसे ही इनकी बॉटम लाइन इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी कमेंट्स देगी वहाँ पे आपको एक सब्जेक्टिविटी दिखाई देगी कि कैसे कंपनी अपने काम पे काम कर रही है नई चीज़ों पे। ये ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे हर अच्छी कंपनी एक मेजर डिक्लाइन के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री के ऊपर निर्भर रहती है कि अपने बिजनेस को इनोवेशन करके कैसे वो वापस ग्रोथ स्टेज पे लेके आएंगे। यहाँ पे मार्जिन्स की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि उनका ब्रोकिंग बिजनेस एक बहुत बड़ा कैश काउ बिजनेस है, और एड्रेसेबल मार्केट इतनी बड़ी होने की वजह से ग्रोथ का मोमेंटम भी आगे जाके दिखाई देगा। ये स्टॉक आज अपने बुरे वक्त पे खड़ा हुआ है, लेकिन बुरा वक्त अच्छी कंपनी के लिए छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। हिस्ट्री आप चेक कर लीजिए, कोई भी कंपनी अच्छा टाइम दिखाती है तो वो बुरा टाइम भी दिखाती है। बुरे टाइम पे अगर आपने पेशेंटली उसको देख लिया तो आप अच्छे टाइम के लिए भी वापस खुश होंगे। थैंक यू।